है और जॉर्ज भाई के पीछे मांग रहा है, जॉर्ज को चाहिए ये जॉर्ज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। 9:30 अभी बज गए हैं, मैंने अपना कुकिंग लगभग में कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। घर के सारे काम खत्म ही हो गए हैं, अभी मुझे बस स्नान करना है, मतलब मैं नहा धोकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इसके बाद से जो आगे का मेरा आज का जो दिन है ना, सबसे पहले तो मैं आपको वही बताना भूल गई कि आज मेरी लाइफ का सबसे मतलब मेरा बिगेस्ट जो सपना है वो शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत होने वाली है, उसकी न्यू जो है वो पढ़ने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे ना, उनको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या है और किसकी शुरुआत होने वाली है, तो वो ब्लॉग में बने रहेंगे तो उनको पता चल ही जाने वाला है। तो आज काफ़ी ज़्यादा मैं व्यस्त हूँ, और अभी क्या है ना कि तैयारी तो काफ़ी, हम लोगों ने खरीदारी तो कल ही कर ली थी, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो वो खरीदारी हम लोग की हो चुकी है। तो अभी मॉर्निंग में सबसे पहले मैं सुबह उठी, आज ब्रश की, फिर टहली, फिर उसके बाद कुकिंग की, झाड़ू वाड़ू जो भी होता है घर का काम, मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया है। 10 बजे तक आई थिंक मैं पूरी तरह से घर के काम से और ख़ुद को भी साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि नहाना धोना तो पूजा पाठ में ज़रूरी होता है। और आज 23 तारीख है तो दुर्गा पूजा का जो टाइम चल रहा है, तो मम्मी भाई अभी मंदिर पे गए हुए हैं, क्योंकि मम्मी ने कलश रखा हुआ था जो नवरात्रि में कलश रखा जाता है, तो उसकी पूजा के लिए मम्मी गई है। तो मम्मी अभी तक आई नहीं है, मम्मी का व्रत कल था, मम्मी 2 दिन व्रत करती हैं, एक चढ़ती एक उतरती रखा जाता है, तो आज वो अपना कलश का संकल्प लेने जो भी होता है वो पूजा पाठ करने गई हैं। और दूसरी पूजा जो मैं करने वाली हूँ, जो मेरी मतलब जो मेरा ड्रीम है उसकी जो न्यू पढ़ने वाली है उसकी होने वाली है। तो मैं आपको आगे आज पूरा दिन मतलब कैसे, सुबह तो बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बट अब से जो भी होगा मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ। हालांकि खुद से होता है ना कि अपना जल्दी शूट कोई करने वाला नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं खुद से शूट करूँ। देखिए मेरी हालत, मतलब मैं सो के उठी, कुछ भी नहीं की हूँ, बस ऐसे ही कुकिंग करने लगी और मतलब घर के जो भी काम था, उसके बाद मैं सोची कि चलो अभी ब्लॉग शुरू कर लेते, अभी घर पर कोई नहीं है। थोड़ा क्या होता है ना, वॉइस उतनी अच्छी आ नहीं पाती जब घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है तो। और यहाँ देखिए सुबह उठ के ही भाई चला गया, तो उसके रूम का जो बिस्तर वो फैला हुआ है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए भाई को मिला है कबूतर, ये फंस गया था ऊपर रूम में, ये देखिए। और जॉर्ज मेरे को तंग कर रहा है, जॉर्ज को चाहिए, जॉर्ज पूरा परेशान है। हम लोग कह रहे हैं कि बेचारा फंस गया था, इसको बाहर छोड़ देते हैं ऊपर, बहुत ज्यादा शोर करते हैं। मम्मी करी इसको टोकरी में, इसको पालते हैं कबूतर भी, बट उड़ने वाले जीव को नहीं पालना चाहिए, जो पंछी होते हैं खास करके। और अभी 11 बज गया है, मुझे नहाने जाना है। भाई यहाँ पर सब लोग, हम लोग खाना वाना खा लिए हैं। देखिए ये जॉर्ज भैया उसको काट लेगा, ये देखिए जॉर्ज क्या कर रहा है, मेरे ऊपर चढ़ के ना ये मांग रहा है, जॉर्ज उसको मांग रहा है, आओ मेरा फूट मारो जॉर्ज, ये देखिए जॉर्ज क्या कर रहा है, जॉर्ज को चाहिए, वो जॉर्ज को कबूतर चाहिए। जॉर्ज तंग मत करो, तुमको नहीं मिलेगा, दोस्त है वो तुम्हारा, हाँ जॉर्ज दोस्ती करते हैं उससे, दोस्ती करते हैं। जीव चट कर रहा है, ये नॉनवेज वाला जीव उसको चाहिए, वो कबूतर के पीछे पड़ा हुआ ही, देखिए भाई को किस तरह से तंग कर रहा है। तो आज पूजा का दिन है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब सब कुछ अच्छा हो, ऐसे में एक कबूतर फंसा हुआ हम लोगों ने बचाया तो अच्छी बात है। ये हम लोग घर काफ़ी सारे कबूतर जो रहते हैं ना, बिल्लियाँ उनको तोड़ देती है, तो हम लोग उनको अक्सर बचाते रहते हैं। तो ये वाला फंस गया था ऊपर जाले में, तो इसको हम लोग निकाल कर लेकर आए हैं, अभी इसको उड़ा देंगे, बट जॉर्ज पीछे पड़ा हुआ है। नहीं कहीं तोड़ ओड़ देगा जॉर्ज, तोड़ देगा भैया, घर में मत छोड़ना, पोर्च में तोड़, छोड़ो जॉर्ज, एकदम परेशान करके रख दिया हम लोग को। तो अभी भाई जा रहा है उड़ाने और जॉर्ज भाई के पीछे मांग रहा है, जॉर्ज को चाहिए ये, जॉर्ज बदमाशी मत करो, जॉर्ज नहीं मिलेगा तुमको, अरे सुंघा दो उसको, सुंघा दो, दोस्ती कर लो जॉर्ज, दोस्ती कर लो, अच्छा जॉर्ज दोस्ती करेगा, जॉर्ज दोस्ती करा, हाँ जॉर्ज, अरे देखना मम्मी करी नहीं काटेगा,
अरे क्या यार छोड़ू लम्बो मेरे को दे दे रहा हटो। अरे तो इसको यहाँ पे छोड़ा गया और ये घर में आ गया और जॉर्ज यहाँ पे बैठा अब जॉर्ज परेशान है कि कैसे हमको वो मिलेगा। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ और मेरे जो देवर थे, दो देवर मेरे ससुराल से आए हुए हैं, भाई के साथ गए हैं पूजा वाली जगह पे। आज पूजा है जैसा कि मैंने बताया नहीं है, आई थिंक कि अब फिर बताया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आज जो पूजा होने वाली है उसी की तैयारी करने, जहाँ पर भी पूजा होनी है तो वहाँ वो लोग जा चुके हैं। हम लोग, मुझे भी जाना है, तो मैं नहा धुली हूँ। मतलब सारे लोग जाने वाले हैं, ससुराल से भी काफ़ी सारे लोग आएंगे, तो मैं देखती हूँ कि मुझे साड़ी पहनना पड़ेगा शायद, तो क्योंकि ससुराल से जाए ऐसी बातें आ रहे हैं लोग, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि आप पूजा में ऐसे जाओ। वैसे तो साड़ी में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मेरा मंथ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, टमी जो है मेरा जो है वो थोड़ा बाहर आ चुका है, तो साड़ी बांधने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। बहुत लॉन्ग टाइम तक मैं साड़ी वेयर करके अब नहीं रह पाती हूँ, तो मैं वीडियो तो साड़ी ड्रेपिंग के शूट करती हूँ, बट बहुत लंबे पूरे दिन के लिए मैं साड़ी वेयर नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे पूजा पे निकलना होगा तभी मैं देखती हूँ साड़ी पहनूंगी, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगी। मतलब अपने हस्बैंड आएंगे, मेरे हस्बैंड भी आने ही वाले हैं, क्योंकि जो पूजा है उसमें वो भी व्रत हैं। तो होता है ना, हस्बैंड वाइफ में कोई एक लोग व्रत रह लेता है तो भी हो जाता है। तो ऐसी हालत में पंडित जी ने मुझे तो पूजा करने से मना कर दिया है, तो मेरे हस्बैंड जी ही व्रत हैं, तो वो भी कुछ देर में आते ही होंगे। अभी वो घर से निकलने ही वाले थे, कॉल किए थे कि हाँ मैं भी कुछ देर में आ रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे क्या पहन के जाना चाहिए, तो वही मैं पहन के जाऊँगी। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। भाई भी रूम का दरवाज़ा बंद कर रहा है, सारे लोग जा चुके हैं, बस हम और भाई बचे हुए हैं थे। तो हमें भी अब निकलना है जहाँ पर पूजा होने वाली है। तो भाई उससे पहले सारे घर के दरवाजे खिड़की सब कुछ चेक कर ले रहा है, और मैं भी देखिए पूरा सामान लेकर खड़ी हूँ। काफ़ी सारा सामान चला गया, बट जो थोड़ा बहुत बच गया उसे मैं लेकर चलूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहनी है साड़ी, और इस साड़ी की ड्रैपिंग ट्यूटोरियल तो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दी है। इसे मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छी साड़ी है। और अभी भाई स्कूटी निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पैदल नहीं, मैं ज़्यादा चलती हूँ, तो इस वजह से भाई मुझे स्कूटी से लेकर जाएगा, क्योंकि बाइक पर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, बाइक काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। तो मैंने कहा मुझे स्कूटी से ले चलो, इस पर आराम रहता है, कम्फर्टेबल होकर मैं बैठ पाती हूँ। सो बाहर निकालने के बाद भाई जो है वो हमारा गेट जो है ना, वो भी इसमें भी ताला लगेगा। यहाँ से पूजा वाली जगह कुछ ही दूरी पे है जहाँ पर पूजा होनी है, तो यहाँ भाई ताला मार रहा है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, सीधे मिलते हैं आपसे अपनी पूजा वाली जगह पर। तो ये है हमारी पूजा वाली जगह। जी हाँ दोस्तों, आज है भूमि पूजन, और ये है मेरी भूमि जहाँ पर हमारा घर बनने वाला। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, आपको अभी जंगल दिखेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा घास फूस सब उगी हुई थी। और पंडित जी ने टाइम दिया था 3:30 बजे का, बट वो 4 बजे आए यहाँ पर, तो हम लोग बैठ कर वेट कर रहे थे। देखिए गांव से दादी सास मेरी आई हुई हैं, यहाँ पर मम्मी हैं, और ये मैं हूँ, मेरी एक और दादी सास है, बट वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आ पाई। और ये मेरे हस्बैंड जी देखिए, और मेरे पापा जी भी आए हुए हैं ससुराल से, मेरे देवर भी हैं, भाई तो है ही, क्योंकि ये पूजा की सारी तैयारी भैया ने ही की थी। कल से लेकर आज तक वही दौड़ रहा था। हालांकि हम और मेरे हस्बैंड भी गए थे मार्केटिंग करने, बट हम लोग ज़्यादा नहीं कुछ खरीद पाए थे। तो यहाँ पर धूप बहुत ही तेज़ थी, इसलिए हम लोग बबूल की छाया में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पंडित जी आगे पूजा शुरू हो गई है, क्योंकि गड्ढा खोदना था। मेरे हस्बैंड जी देखिए व्रत हैं, बट वो फिर भी फटाफट से गड्ढा खोद रहे थे। मैंने वीडियो को हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ये व्रत भी थे और गड्ढा भी खोद रहे थे, क्योंकि जल्दी से पूजा करनी थी, शाम हो जाती अदरवाइज तो हुए है ना। यहाँ पे पंडित जी देखिए इस तरह से बैठकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। फटाफट से गड्ढा खोदने के बाद यहाँ पर पूजा की विधि शुरू कर दी गई है, और मेरे हस्बैंड जी व्रत हैं तो इसलिए वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसी हालत में पूजा नहीं करनी है। और ये सारे ही ब्लॉग, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरा भाई ही शूट करता है,
तो मैं पूजा पर बैठी हुई शूट कर रहा है। देखिए साइड में ये मेरे पापा जी हैं, और यहाँ पर जितनी भी आप पूजा की तैयारी देख रहे हो ना, सुबह से दौड़ दौड़ कर मेरे भाई ने किया था, बहुत ज़्यादा ही वो खुश था। काश मैं आपको दिखा पाती, क्योंकि वो ब्लॉग शूट कर रहा था इसलिए वो कैमरे में नहीं आ पाया। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि ये दो लोग क्या कर रहे हैं, तो मेरे देवर हैं दोनों, मेरे मिस्त्री जी नहीं आ पाए जो ठेकेदार थे। तो यहाँ पर चार ईंटें को शायद जोड़ा जाता है, तो वो काम ये लोग कर रहे थे। अंधेरा होने से पहले पूजा ख़त्म भी करना था, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी क्योंकि व्रत हैं तो इन्हीं को पूजा करनी थी। इन्हीं के हाथ से जो भूमि पूजन का साइज था वो हम लोगों ने दिखवाया था, क्योंकि मुझे तो पंडित जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकती हूँ ऐसी हालत में। तो ये पूजा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरा घर बनने से खुश सबसे ज़्यादा मेरा भाई ही था, और बहुत ज़्यादा उसने भाग दौड़ की थी इस दिन। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये व्रत भी हैं और ऐसी हालत में इन्होंने गड्ढा भी खोदा, फिर शाम तक बिना खाए हुए रहे। और यहाँ पर देखिए मेरे जो देवर है ना, वो ईंट की जुड़ाई का जो काम था ना, उसके अंदर गड्ढे के अंदर बहुत कुछ चीज़ें डाली जाती है पूजा की सामग्री, तो वो डाली जाएगी। सो मेरे जो मिस्त्री थे वो तो आए नहीं, तो उनका जो होता है ना नेग वगैरह वो देवर जी को बना के दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा भूमि पूजन हो गया अच्छे से, काफ़ी अच्छे से हुआ था। आपको भाई नहीं दिखेगा क्योंकि बीच बीच में जो भी घट रहा था ना, भाई ला रहा था, बहुत सारे सामान थे जो छूट जा रहे थे, कई सारी चीज़ें, तो मेन टाइम पे भाई लाने जा रहा था, और जैसे उसको टाइम मिल रहा था ना वो वीडियो भी शूट कर रहा था मेरा। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी दे रहे हैं जो भी चीज़ें गड्ढे में डाली जाती है, और पीछे मेरी मम्मी है जो स्टॉल ओढ़े हुए हैं, वो मेरी मम्मी हैं, और जो मेरे पीछे बैठी हूँ वो दादी सास हैं, और पापा जी साइड में खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ पर साइड में हैं, और एक और देवर आए हुए थे। तो इतने सारे लोग पूजा में थे, भाई आपको कहीं भी नहीं दिख रहा होगा अभी। सो यहाँ पर गड्ढे के अंदर जो ईंट है ना वो जुड़ाई हो चुकी है, अब उसे ढका जा रहा है। फिर उसके बाद से पंडित जी को हमने बताया कि हमारे मिस्त्री नहीं आए हैं, तो इन्हें ही हमारा मिस्त्री समझ लीजिए। तो फिर पंडित जी ने इनको तिलक वगैरह लगवा कर दक्षिणा दिलवाए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है जो भी भूमि पूजन में जुड़ाई चार ईंट जोड़ते हैं ना मिस्त्री, उन्हें दक्षिणा दिया जाता है। तो हम लोग चाहते थे कि भले हम लोग के जो मिस्त्री थे ठेकेदार थे वो ना आ पाए हों, बट हमारा जो पूजा कार्यक्रम है वो बिल्कुल अच्छे से हो, बिल्कुल विधिवत हो, तो इसलिए देवर जी को बना दिया गया। और ये मेरे देवर जी देखिए यहाँ पर बैठे हुए, पापा जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, वो एक और देवर बैठे हुए हैं, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर देखिए गड्ढे में काफ़ी सारी चीज़ें डाली जा रही थी, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, जो लोग भूमि पूजन किए होंगे उनको पता होगा। तो आज जो है मेरा भूमि पूजन काफ़ी अच्छे से हो गया, और फाइनली मैंने अपने भाई को देखा इस ब्लॉग में, क्योंकि भाई ने ही पूरा ब्लॉग शूट किया था। तो भाई इतना ज़्यादा सुबह से काम करता है, बट फिर भी उसके चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हो। तो आप मेरा वेडिंग वाला चाहे मायके का कोई भी ब्लॉग हो ना, उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा भाई हमेशा कितना भी काम करे उसके चेहरे पर स्माइल बरकरार रहती है। और भैया मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देता है कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा करता है, थक भी जाएगा फिर भी वो स्माइल करता रहेगा। कई बार हालांकि मुझे पता चल जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा थका है, लेकिन वो स्माइल कर देता है कि बिल्कुल ठीक है, सब हो जाएगा आराम से, तुम टेंशन ना लो। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने भाई की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, चाहे वो मेरा ब्लॉग चैनल हो या फिर मेरा फर्स्ट चैनल हो, आप हमेशा देखोगे उसमें सिर्फ एक इंसान नज़र आएगा साथ देता हुआ, वो है मेरा भाई, चाहे वो कैमरे के पीछे हो या फिर सामने हो, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया अगर मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं होती, ज़ीरो होती, नथिंग, मेरी कोई पहचान नहीं होती। हालांकि मेरी खुद की मेहनत है, बट उससे कहीं ज़्यादा एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि मेरा भाई ही है। और यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है, मम्मी सामान को इकट्ठा कर रही हैं, बाकी सामान मेरे हस्बैंड जी लेकर जा रहे हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।